लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप गाली गलौज कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया, गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ ईवीएम खराब दे दो गाली, चुनाव हार जाओ चुनाव आयोग को गाली दे दो, क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो, अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत की आर्थिक गौरवगान करे तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 9 साल देखा है माननीय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह, माननीय आप सदन के नेता हैं, आप माननीय सदस्यों को समझा दें, लोकतंत्र के लिए जिसकी आवश्यकता है, संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है कि बैठे बैठे बोलें। 9 गलत, 9 9 आपने भी बोला है, गलत तरीका है ये, नो बैठ जाइए, गलत तरीका है ना, ना जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना चाहिए, प्लीज बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंक्रप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।